हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं फ्रैक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। प्रॉब्लम गिवन है कि अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 12 स्लाइसेस, इफ 4 स्लाइसेस आर ईटन व्हाट फ्रैक्शन पिज्जा इज लेफ्ट। यानी कि हमारे पास पिज्ज़ा है और उसके स्लाइसेस कितने हैं, यानी कि अगर मैं टोटल स्लाइसेस की बात करूँ पिज्ज़ा के, तो वो हमारे पास इक्वल हैं 12, ठीक है। और कितने उसमें से खा लिए गए हैं, वो हमारे पास हैं 4 स्लाइसेस, ठीक है। तो कितने जो लेफ्ट स्लाइसेस होंगे वो कितने होंगे भला हमारे पास, वो होंगे 12 - 4, दैट इज इक्वल टू 8। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ पिज्ज़ा दैट इज लेफ्ट। तो इसको करने के लिए आपके पास तरीकाकार ये होता है कि जो लेफ्ट अमाउंट है आपने उसको न्यूमिरेटर में रखना होता है और आपने उसको डिवाइड कर देना होता है, जो टोटल अमाउंट होती है उसको डिनोमिनेटर में रख के, ठीक है। यानी 8 इज डिवाइडेड बाई 12, इसको कैंसिल किया, 4 2 8, 4 3 12, यानी कि आपके पास जो फ्रैक्शन जो है पिज़्ज़ा रह गया है उसकी फ्रैक्शन जो है वो आपके पास आ गई है, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट है इसका वो है बी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।